बेहतरीन टेस्ट है, भरपूर स्पाइसी है। 10 out of 10। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश हो रहा, लोग आ रहे हैं क्योंकि ये महमूदाबाद की सबसे मशहूर जो चिकन बिरयानी है यहाँ पे, और ये नसीब की ही चिकन बिरयानी बहुत मशहूर है। तो आइए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इस बिरयानी की खास बात क्या है? खास बात ये है, लोगों को पसंद है तो लोग आते दूर दूर से। अच्छा, दूर दूर से आते हैं। तो इसमें कौन सा मसाला यूज होता है यहाँ के? बाकी कराची की तो बहुत सारी बिरयानी है, नसीब बिरयानी ही क्यों मशहूर है? बस ये अल्लाह का पता है, रायगंज के हाथ में ये पकाते हैं। अच्छा, तो नसीब बिरयानी की तो मशहूर बिरयानी है ही है चिकन बिरयानी, लेकिन इनके साथ साथ इनका बीफ पुलाव भी बहुत मशहूर है। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मुझे बताएं कि ये बीफ पुलाव की क्या प्राइस है? जी 130 का वन पाव है और 260 का था कि हाफ के जी है। अच्छा, 1 kg 520 का। सही। जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये इनका बीफ पुलाव होता है नॉर्मली, और ये एक तकरीबन यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये किचन था और यहाँ पर बीफ पुलाव सर्व हो रहा है, उसके साथ साथ ये फैमिली हॉल है। तो अब आगे लेके जाते हैं कि ये आ जाता है नसीब नंबर 1 बिरयानी के सैलड्स, जहाँ पर नॉर्मली सारी अनियन वगैरह, मतलब ये एक पूरे एक तरीके से उन्होंने प्रॉपर वे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बिल्कुल मैनेज की हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो है हॉल है जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आके आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं हूँ यहाँ पर और ये है नसीब बिरयानी का किचन, जहाँ पर प्रॉपर बिरयानी बन रही होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये रेडी हो रही है, और इस टाइम दिन का टाइम है, और दिन के टाइम मुसलसल यहाँ पे रेडी हो रही है। मेरे साथ साहब मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं कि डेली बेसिस के ऊपर कितनी बिरयानी आप बनाते हैं? आप भी बना रहे होते हैं? जी, डेली पे लग जाते हैं तकरीबन कोई 25-30 लग जाते हैं। अच्छा, नसीब बिरयानी में कौन से ऐसे मसाले यूज करते हैं आप? बस मसाले होते हैं, अच्छे मसाले होते हैं। अच्छा, तो ये सीक्रेट है? जी जी, मसाले बनाते हैं 10-12 मसाले होते हैं जो इकट्ठे करके डालते हैं उसमें। अच्छा। लहसुन का घी होता है, चीज पका कर जो है ना उसे तैयार किया जाता है। तो ये पूरा दिन चलती है सुबह से लेकर शाम तक? जी, सुबह 8 बजे रात के 1 बजे तक होती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है सरदा बन रहा है, सरदा तैयार है इनका। और इसके अलावा ये बिरयानी की तह लगी हुई है, नीचे चिकन आलू है, ये ऊपर जो है वेट चावल है। अच्छा, ये अब तह लगी हुई है। जी, तह लगी हुई है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक नसीब बिरयानी चलती है, जो कि बहुत ही मशहूर है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ किस तरह से रेडी हो रही, किस तरह सर्व हो रही है, यहाँ पे कितने हॉल्स हैं, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो नसीब बिरयानी चिकन बिरयानी ऑर्डर किया आपने या बीफ? मैंने सर चिकन बिरयानी ऑर्डर की है। अच्छा, तो यहाँ की पहली दफ़ा के ट्राई कर रहे हैं, आते रहते हैं? नहीं, मैं तकरीबन 20-22 साल के बाद यहाँ दोबारा आया हूँ। अच्छा, तो ये 20-22 पुरानी है? जी तकरीबन, ये पुरानी तो उससे भी पहले की है, मगर जब मैं बिल्कुल यंग था उस ज़माने में अपने फ्रेंड्स के साथ आता था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से माइग्रेट कर गया, इस एरिया से माइग्रेट कर गया, बिजनेस भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया। अच्छा। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो फैमिली ने खाने की फरमाइश करी, तो मैंने कहा कि ये मैंने बहुत अरसे पहले ट्राई की थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, तो आज मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए। चारों दोस्त जो हैं वो मिलकर खा रहे हैं और बहुत दबदब खाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बता सकते हैं कैसा टेस्ट है इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आपको पसंद आएगी? जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से आए हैं? रेडी बेसिस पे आते हैं, कभी कभार आते हैं? हम वीकेंड्स पे आते हैं। वीकेंड्स पे आते हैं, हो गया। और लियाकतबाद से आते हैं कभी कभी। लियाकतबाद से आते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसी खास बात है? बाकी बिरयानी भी तो है कराची में, बहुत मसालेदार है। अच्छा, और इसका बीफ पुलाव भी ट्राई किया आपने? नहीं, बीफ पुलाव अभी तक ट्राई नहीं किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे, वो नेक्स्ट वीकेंड पे, नेक्स्ट वीक पे ट्राई करेंगे। गुड, हो गया। और आप बता सकते हैं कैसी है, क्या टेस्ट है? बहुत यम्मी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो कितनी प्लेट खा चुके हैं अभी? अभी ट्राई की, स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई है। सही, हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पर आके लोग अपने, जैसे कि इन्होंने बताया कि वीकेंड पैकेज ज़रूर ट्राई करते हैं, और आप भी यहाँ पर आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दूंगी प्रॉपर फूड रिव्यू, क्योंकि मैं भी ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि यहाँ का बीफ पुलाव इतना मज़े का है, कि चिकन बिरयानी कितनी मज़े की है। तो खालिद महमूद यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर नसीब बिरयानी के ओवरऑल मैनेजर हैं, और ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? तो सर, मुझे नसीब बिरयानी के बारे में कुछ बता सकते हैं, कब इसका आगाज़ हुआ, कितना टाइम हो चुका है? इसका 99 में इसका आगाज़ हुआ था। अच्छा। और जब ये स्टार्ट हुई थी, ये रेडी पे स्टार्ट हुई थी। अच्छा।
उसके बाद बरकत डलती गई अल्लाह के हुक्म से, और फिर इस तरीके से नसीब बिरयानी करती रही आगे। अच्छा अच्छा जी। और इसको तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। और आप लोग होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं फूड पांडा? नहीं, फूड पांडा और बाइकिया के थ्रू हमारे एग्रीमेंट हैं, उनके थ्रू डिलीवरी सर्विस है हमारी। फिलहाल हमारी अपनी नहीं है, लेकिन हम इसमें जा रहे हैं, इसमें ब्रांडिंग में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम सारी सर्विस करेंगे। अच्छा, सही है। हो चुका है मेरा टाइम प्रॉपर फूड रिव्यू का। अब आप देख सकते हैं कि ये है नसीब वालों की नसीब वाली बिरयानी, जो कि मेरे नसीब में लिखी हुई थी, और साथ में है इनका बीफ पुलाव। इनका बीफ पुलाव की प्राइस मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मुनासिब है, 130, और ये प्लेट सिर्फ 90 रुपीज़ की। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 90 रुपीज़ की। ओवरऑल बिरयानी एटलीस्ट 120 तक ही होती है, बट नसीब वालों की जो चिकन बिरयानी है वो सिर्फ 90 रुपीज़ की एक प्लेट दे रहे हैं। तो आप ट्राई करते हो, आपको बताते हैं। इनके साथ इन्होंने हमें दिया है रायता, और साथ में इन्होंने दिया सैलड। तो मेरे मुँह में तो आ रहा है पानी, तो मैं इसको जल्दी से ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ ये कितना मज़े का है। इसमें आ गया लेग पीस, हमेशा मेरे पास लेग पीस आता है। वाह। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ। बेहतरीन टेस्ट है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि इसमें काफ़ी स्पाइसी टाइप है। मतलब है, मतलब भरपूर स्पाइसी है और बहुत मज़े के एकदम। आप यहाँ पर आके ट्राई करेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा। तो ये है बीफ पुलाव इनका, जो कि सिर्फ 130 रुपीज़ का। इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये है नसीब चिकन बिरयानी विद बीफ भी इनका जो है वो ट्राई होता है, लेकिन बिरयानी आपको सिर्फ चिकन में मिलेगी। बीफ भी बहुत मज़े का, और बीफ बिल्कुल नॉर्मल जैसे टेस्ट है, एक यूनिक टेस्ट है। मतलब जितने भी मैंने बीफ पुलाव ट्राई किया उस तरह हटकर है, और चिकन बिरयानी बहुत मज़े की है, मतलब कि 10 out of 10। ओवरऑल कराची की बहुत सारी बिरयानी है, और आपको पता है कि मैं बहुत सारी बिरयानी में फूड रिव्यू देती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है और चेंज है। आप ही यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, महमूदाबाद 6 नंबर पर। ये नसीब बिरयानी वाले बहुत मशहूर हैं, और यहाँ पर इस इलाके की सबसे मशहूर बिरयानी है। अमीर दीजिए इजाज़त, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।